हेलो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश क्लास 2, चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर्स। वंस देयर वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक समय की बात है, एक लड़की थी, वहाँ एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। हर नेम वाज कर्ली लॉक्स, उसका नाम था कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. एक बार क्या हुआ, वो अपने घर के पास वाले जंगल में गई। She saw a cottage. उसने एक छोटी सी कुटिया देखी। Cottage का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी। तो उसने वो देखी, ठीक है। Is anybody in? She asked. वो उसके गेट के पास गई, उसके दरवाजे के पास, और वहाँ जाके कहती है, इज एनीबॉडी इन, क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नो बडी, वहाँ कोई भी नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, उस जो कुटिया थी उसमें बेयर फैमिली रहती थी, भालू का परिवार रहता था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो सारे कहाँ गए थे, वॉक पे गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स फिर अंदर चली गई। She wanted to see who lived there. वो देखना चाहती थी कि वहाँ पर कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. उसने 3 कटोरी पॉरिज के देखे टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर उसने 3 पॉरिज के कटोरियाँ देखी। बाउल्स मीन्स होता है कटोरी। There was a big bowl for Papa Bear. A middle size bowl for Mama Bear and a tiny little bowl for Baby Bear. एक बड़ा, जो बहुत बड़ा बाउल था वो पापा बेयर के लिए था। एक मीडियम साइज का, बीच साइज का, मध्यम आकार का बाउल मामा बेयर के लिए था, और एक सबसे छोटा बाउल बेबी बेयर के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, वह कर्ली लॉक जो थी वह भूखी थी। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल, पहले उसने बिग बाउल से खाया, बड़े बाउल से खाया। इट वॉज वेरी हॉट, वह बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, फिर उसने मध्यम आकार वाले बाउल से खाया। इट वॉज टू कोल्ड, वह बहुत ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी बाउल लिटिल बाउल, फिर उसने सबसे छोटे वाले, ठीक है, बाउल से खाया, जो बिल्कुल सही था। इट वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल सही था, ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था। कर्ली लॉक्स ऐट अप ऑल द पॉरिज, उसने क्या किया, सारा का सारा पॉरिज खा लिया। पॉरिज खिचड़ा या दलिया को कहते हैं। देन शी वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद वो क्या, वो कहाँ गई, वह बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर। वहाँ पर पता क्या था, बेडरूम में एक बहुत बड़ा बेड था पापा बेयर के लिए, एक मीडियम साइज़ का मध्यम आकार का बेड था मम्मा बेयर के लिए, और टाइनी लिटिल बेड था बेबी बेयर के लिए, ठीक है। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बहुत बड़ा बेड था वो बहुत ही हार्ड था, कठोर था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो मिडल साइज़ का बेड था मध्यम आकार का वो बहुत ही मुलायम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, और जो सबसे छोटा बेड था वो बिल्कुल सही था, ना ज़्यादा सॉफ्ट था ना ज़्यादा हार्ड था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, द बेयर फैमिली केम बैक। कर्ली लॉक्स सो जाती है उस बेड पे, छोटे वाले बेड पे, और उसके बाद क्या होता है, बियर की फैमिली वापस आती है वॉक से। समबडी एट माई पॉरिज, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रूफ वॉइस। तो पापा बियर आते हैं, बैड देखते हैं, किसी ने मेरा पॉरिज खाया, किसी ने मेरा दलिया खाया। पापा बियर अपनी ग्रूफ वॉइस में जोर से बोलते हैं, समबडी एट माई पॉरिज टू, किसी ने मेरा पॉरिज भी खाया। सेड मामा बेयर्स, मामा बेयर ने भी कहा,
तो फिर क्या होता है, Somebody finished all my porridge, said the baby bear in his tiny little voice. अब बेबी बियर क्या बोलते हैं कि किसी ने मेरा पूरा दलिया खा लिया. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, Somebody slept in my bed. अब बियर फैमिली क्या करती है, बेडरूम में जाती है. उसके बाद पापा बियर चीखते हैं, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रूफ वॉइस, अपनी जो है कठोर कर्कश आवाज़, बिल्कुल ही शार्प वॉइस जो बहुत ही अजीब लगती है सुनने में, अच्छी नहीं लगती, कर्कश कर्कश वॉइस में, मतलब ग्रूफ वॉइस में वो चीख के बोलता है, कोई मेरे बेड पे सोया था. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सैड मामा बेयर. मामा बेयर ने भी यही कहा, कोई मेरे भी बेड पे सोया था. समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, शेड सैड बेबी बियर इन टाइनी लिटिल वॉइस. अब बेबी बियर छोटी सी आवाज़ में बोलता है, मेरी बेड पे कोई सो रहा है. कर्ली लॉक्स वो अब कर्ली लॉक्स एकदम से उठ जाती है. शी सॉ द बेयर थ्री बेयर्स, उसने क्या किया, तीन भालुओं को देखा. शी जम्प डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, वो इतनी तेज़ी से जंप करके भागी, कूद के भागी, जितनी जितनी तेज़ी से वह भाग सकती थी. ठीक है, तो ये स्टोरी बड़ी अच्छी है, मज़ेदार. अब न्यू वर्ड्स, कर्ली, कर्ली मीन्स होता है घुघरालू. कॉटेज, कॉटेज मीन्स झोपड़ी या कुटिया. बाउल मीन्स होता है कटोरी. पॉरिज मीन्स दलिया या खिचड़ा. और हंगरी मीन्स होता है भूखा. और ये पिक्चर आपको बताया गया है, ठीक है, जब ये सो रही है उसके बाद ये उठ के भाग रही है. उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम सीधा करेंगे, ये तो बाकी लेट्स रीड एंड लेट्स टॉक है. हु क्वेश्चन आंसर में है, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. तो इसका आंसर द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. ठीक है, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी इन द टेबल. कर्ली लॉक्स सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल. तीसरा है, व्हाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल. शी एट ऑल द पॉरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट. उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हूज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लिप इन एंड व्हाई. व्हाई कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर. ये क्वेश्चन आंसर भी हो गया. उसके बाद आपका ये कुछ एक्टिविटीज़ है, आपका जैसे कि आपका इसमें आपको वो बनाना है, फ्रेम बनाना है, फ़ोटो फ्रेम. ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे आपको जैसे कि द वर्ड कर्ली एंड हंगरी टेल्स अस अबाउट कर्ली लॉक्स. जैसे कर्ली और हंगरी उसके बारे में बताते हैं, वैसे बियर्स के बारे में आपको वर्ड्स निकालने हैं. लाइक पापा बियर क्या कहते हैं, ग्रूफ. ठीक है, और उससे सेंटेंस भी बनाना है. उसके बाद है, राइट फाइव लाइन्स ऑन माई फैमिली. फैमिली के बारे में फाइव लाइन्स लिखना है. उसके बाद ये कुछ वर्ड्स है जिसके साउंड सिमिलर है बट इसकी मीनिंग डिफरेंट है. जैसे सी एस ई ए सी, सी मीन्स होता है समुद्र, और एस डबल ई सी मीन्स होता है देखना. टी ए आई एल टेल, टेल मीन्स होता है पूछ. ठीक है, और टी ए एल ई टेल मीन्स होती है कहानी. ठीक है, तो पहला है सी, सी का सेंटेंस बनेगा द सी वाटर इज सॉल्टी. अब एस डबल ई सी का होगा आई कैन नॉट सी क्लियरली. उसके बाद आपका टी ए आई एल टेल, माई डॉग्स टेल इज टू शॉर्ट. और टी ए एल ई टेल का होगा आई रीड अ टेल ऑफ फेयरी. ठीक है, अब इसके बाद ये पिक्चर है, इसमें से आपको जो भी चीज़ें, जैसे कि द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक फॉर बिफोर डिनर, समबडीज केम इन, लुक एट दे व्हाट दे डिड. जैसे आपका
राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द राइट प्लेस, ठीक है, केप्ट इन द राइट प्लेस। तो इसमें जैसे पहला है अ बॉल इज डैश पापा बियर्स प्लेट। तो इसमें हमने क्या देखा है, बॉल कहाँ है, पापा बियर की प्लेट में है, तो क्या इस केप्ट ऑन पापा बियर्स प्लेट, इसमें ये होगा, ठीक है। सेकेंड वाले में अ फ्लावर इज केप्ट ऑन मामाज बियर्स प्लेट, ठीक है। उसके थर्ड है अ प्लांट इज केप्ट नियर बेबी बियर्स चेयर, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। तो इसमें आप लिखोगे आई कैन सी अ किटन सिटिंग ऑन द चेयर, आई कैन सी अ रैट सिटिंग ऑन द फ्रूट बाउल, आई कैन सी अ शू फ्लोटिंग इन अ जग ऑफ वाटर। ओके, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।